Hello students, myself Vanita Bhavani. I welcome you in English Literature BA Part 1st online classes from Gurugram College. In our today video, we start our new poem at name of The Face That Longs a Thousand Shapes, composed by Christopher Marlowe. आज की जो हमारी पोएम है उसका नाम है दैट फेस द फेस दैट टोन अ थाउजेंड शेप्स, जिसको किसने लिखा है? मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो ने. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट, अवर पोएट इज बोर्न ऑन 1564. यू नो दैट 1564. Who is also born on that year? There is Shakespeare. You remember that? आपको याद है कि जो शेक्सपियर का जन्म है वो भी क्या है? 1564 में हुआ था, 1564 में हुआ था. तो इसको क्या है? शेक्सपियर का समकालीन कहा जाता है. मतलब कि वैसे भी समकालीन कहा तो क्या जाता है, वह है ही समकालीन, कंटेम्प्रेरी है शेक्सपियर का. और शेक्सपियर की जो डेथ थी वो हुई थी 1616 में, और जबकि जो इनकी डेथ है, क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ है, वो कब हुई है? 1593 में. मतलब कि सिर्फ बहुत ही कम उम्र में, कितने साल हो गए? 39 ईयर्स ओल्ड इनकी डेथ हुई है. देन स्टार्ट मोड, ही मतलब ही कहाँ है? क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन ईरा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट ही इज द पोइट फ्रॉम द एलिजाबेथन ईरा. जो एलिजाबेथन की ईरा थी, जो एलिजाबेथन आपकी हमारी ईरा, ईरा का मतलब होता है शताब्दी, शदी. जो एलिजाबेथन शदी थी उसका ये क्या है? इंग्लिश प्ले राइट है, एक नाटककार है, एक कवि है, एक ट्रांसलेटर, मतलब कि ट्रांसलेट करने वाला है. कौन सी ईरा का, कौन सी सदी का? एलिजाबेथन ईरा का. मॉडर्न स्कॉलर्स काउंट मार्लो अमंग द मोस्ट फेमस ऑफ एलिजाबेथन प्ले राइट्स. जो मॉडर्न स्कॉलर्स है, जो मतलब कि आधुनिक जो स्कॉलर्स का मतलब है विद्वान है, राइटर्स के लिए लिटरेचर का जो विद्वान है वो गिनते हैं, मार्लो को गिनते हैं. किन में गिनते हैं? फेमस, मोस्ट फेमस, बहुत ज़्यादा जो फेमस प्ले एलिजाबेथन प्ले राइट थे, जो एलिजाबेथन ईरा के नाटककार थे, उनमें जो मॉडर्न हमारे स्कॉलर्स हैं वो मार्लो को उनमें गिनते हैं. अपॉन द मैनी इमिटेशन ऑफ हिज प्ले टेम्बरलाइन, किसके कारण? जो ये मॉडर्न स्कॉलर है, ये मार्लो को एलिजाबेथन प्ले राइट्स में मोस्ट फेमस क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे इमिटेशंस थे, गुण थे इसके प्ले. दैट वाज टेम्बरलाइन. जो टेम्बरलाइन नाम का जो प्ले था उसने मार्लो को बहुत ज़्यादा फेमस कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था ये टेम्बरलाइन. मार्लोज प्ले आर फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्ड्स. जो मार्लो है उसके जो प्ले थे सबसे पहले उसमें क्या यूज हुआ था? ब्लैंक वर्ड्स यूज हुआ था, विच बीकेम द स्टैंडर्ड ऑफ द ईरा. और जो क्या है, इस ईरा का स्टैंडर्ड बन गया. मतलब कि ईरा को उस नाम से पहचाना जाता है. जब आप एलिजाबेथन ईरा देखते हो तो उसमें क्या होता है, एलिजाबेथन ईरा में सबसे ज़्यादा ब्लैंक वर्ड्स का यूज हुआ है. और उस ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ करने वाला सबसे पहले किसने यूज किया था? मार्लो ने अपने प्ले में यूज किया था. There was three important and marked characteristics of his work. उसके तीन महत्वपूर्ण गुण क्या थे उनके राइटिंग के, मार्लो के राइटिंग के? पिक्टोरिकल क्वालिटी, मतलब कि चित्रात्मक, चित्रात्मकता कह सकते हैं कि उनकी जो होती थी राइटिंग होती थी, प्ले होते थे उनके, जो पोएम्स होती थी उसमें क्या थी? पिक्टोरिकल क्वालिटी होती थी. मतलब कि क्या, जैसे कि आपने ईदगाह का नाम सुना है प्रेमचंद जी की, तो उनमें क्या होता है, जैसे जैसे वो हमें सीन बताते हैं तो हमारे सामने क्या है, सीन आते जाते हैं. उसको बोलते हैं पिक्टोरिकल क्वालिटी. जो मार्लो का वर्क था उसमें हम पिक्टोरिकल क्वालिटी को
देख सकते हैं. सेकंड है इकेस्टिक क्वालिटी. इकेस्टिक क्वालिटी का मतलब है कि जिसमें शब्दों का या मतलब अर्थों का जिसका बहुत ही अच्छे से यूज हुआ, अर्थों का, शब्दों का, अपने भाव को बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ, उसको क्या बोलेंगे एकेस्थेटिक. मतलब कि उनके माइंड में जो क्रिस्टोफर मार्लो के माइंड में जो भी थॉट्स होते थे उनको वो बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते थे. और उसके बाद है विटलाइजिंग एनर्जी. विटलाइजिंग का होता है अभिव्यक्ति. एनर्जी का मतलब होता है शक्ति. मतलब कि उनकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत अभिव्यक्ति थी. मतलब वो अपनी बात पर क्या थे, अपनी बात वो मनवा कर ही रहते थे, या उनको क्या अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कहने की एबिलिटी थी. तो इनकी जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके वर्क के, वो क्या है, रिटोरिकल क्वालिटी, चित्रात्मकता, एकेस्थेटिक क्वालिटी. मतलब कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा भाव प्रदर्शन बहुत अच्छे से कर पाते थे अपने, जो अपना अर्थ है जो भी उसका प्रभाव है बहुत ही अच्छा पड़ता था. फिर है विटलाइजिंग एनर्जी. विटलाइजिंग एनर्जी का मतलब है अपनी अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाते थे. एक बार हम फिर से रीड करेंगे, उसके बाद उनके फेमस वर्क्स देखेंगे. मान लो कि ही वो एंड इंग्लिश, आप यहाँ पे ही की जगह पे क्रिस्टोफर मार्लो लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन ईरा. मतलब क्या है, जो एलिजाबेथन ईरा का क्रिस्टोफर मार्लो है वो एलिजाबेथन ईरा का ट्रांसलेटर था, नाटककार था, और एक बहुत ही फेमस कवि भी थे. मॉडर्न स्कॉलर्स काउंट मार्लो अमंग द मोस्ट फेमस ऑफ एलिजाबेथन प्ले राइट. जो मॉडर्न स्कॉलर हैं, जो आधुनिक विद्वेता हैं, किसके लिटरेचर के स्कॉलर्स हैं जो काउंट करते हैं मार्लो को, किनके बीच में एलिजाबेथन जो ईरा के मोस्ट फेमस जो प्ले राइट थे, नाटककार थे, उनमें गिना जाता है किनको, क्रिस्टोफर मार्लो को. अपॉन द मैनी इमिटेशन ऑफ हिज प्ले टंबर लाइन. मतलब कि इमिटेशन का मतलब उनके गुण थे जो टेम्परलाइन के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा उनकी उनकी जो भी क्वालिटी थी उनको शोन किया गया था, उनको दिखाया गया था. टेम्परलाइन अपना प्ले लाइन का जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने भाव प्रदर्शन किए थे, उनके कारण उनको बहुत ही फेमस एलिजाबेथन प्ले राइट में गिना जाता है. मार्लोस प्लेज आर फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स. जो मार्लो के प्ले थे उनमें सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज हुआ था. विच बीकेम द स्टैंडर्ड फॉर द इरा. जिसने क्या बना दिया था, स्टैंडर्ड बना दिया था, पद ऊंचा कर दिया था इस इरा का. कौन सी इरा का, एलिजाबेथन. आपको नेम याद रखना पड़ेगा कि जो एलिजाबेथन इरा है वो किससे रिलेटेड है, क्रिस्टोफर मार्लो से. या क्रिस्टोफर मार्लो कौन सी इरा के प्ले राइट थे, एलिजाबेथन इरा के. देयर वर थ्री इंपॉर्टेंट एंड मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज वर्क. यहाँ पर तीन बहुत ही महत्वपूर्ण और मार का मतलब है इंगित किया डार्क, जिसको अपने ध्यान देने योग्य हैं. क्या है वो, पिक्टोरिकल क्वालिटी, चित्रात्मकता और एस्थेटिक क्वालिटी, मतलब कि भाव प्रदर्शन, और विटलाइजिंग एनर्जी मतलब कि अभिव्यक्ति की सशक्तता, मतलब कि अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे से शो करना. अब इनके जो हम फेमस वर्क्स थे क्या देखेंगे, दीज आर द फेमस वर्क्स ऑफ मार्लो. यहाँ क्या है, मार्लो के फेमस वर्क्स हैं एडवर्ड सेकंड, टेम्परलाइन के बारे में तो हमने ऊपर भी रीड किया था कि टेम्परलाइन के कारण ये ज़्यादा फेमस हुए थे. उसके बाद है डॉक्टर फास्टस, द ड्यूक ऑफ माल्टा, हीरो एंड लियंडर, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव. ये क्या है, इनके फेमस वर्क्स हैं. आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाए. एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम अपनी पोएम के बारे में रीड करेंगे कि हमारी पोएम किसके बारे में है और उस पोएम में क्या समरी है और क्या मतलब कि वह क्या बताना चाहती है. अब हम इस पोएम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि
पोएम कहाँ से ली हुई है और इसकी समरी क्या है। दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस प्ले डॉक्टर फास्टस रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये जो पोएम है आपकी द फेस दैट लॉस्ट अ थाउजेंड शेप्स। सबसे पहले हम क्या है इसका मतलब देखते हैं कि आपको जो ये टाइटल है द फेस दैट लॉस्ट अ थाउजेंड शेप्स, मतलब ऐसा फेस जिसके ऊपर क्या हो गए थे जो थाउजेंड शिप्स थे वो लॉन्च हो गए थे या जिसने करवा दिया था उनको चलवा दिया था थाउजेंड शिप्स को, हजारों जो जहाज थे समुद्री जहाज थे उनको चलवा दिया था या उस पर चल गए थे या फिदा हो गए थे। तो ये जो पोएम है ये कहाँ से ली गई है, द फेमस प्ले है एक आपका लिटरेचर में है डॉक्टर फास्टस किसके द्वारा लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। ये जो प्ले है डॉक्टर फास्टस ये लिखा हुआ है क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो इन हिज शॉर्ट करियर सेट द स्टेज ऑन फायर विद द फ्लेम ऑफ हिज पैशन। जो मार्लो है उनका क्या था जो करियर था बहुत ही छोटा था, जैसे कि हम देख सकते हैं 1564 में तो उनका बर्न हुआ है मतलब उनको जन्म है और 1593 में तो उनकी डेथ हो गई। और उनके जो छोटे से करियर में मतलब इतने सी उम्र की करियर में मतलब इतने से सालों के करियर में भी उन्होंने क्या कर दिया था स्टेज पर आग लगा दी थी अपने पैशन से, फ्लेम ऑफ मतलब कि किससे अपना जो वर्क था उनका जो वर्क था उनसे क्या कर दिया था स्टेज पर आग लगा दी थी, स्टेज पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला था। अब हम क्या है डॉक्टर फास्टस के बारे में पढ़ेंगे कि डॉक्टर फास्टस जो आपका ये जो प्ले है इसके अंदर से जिसके अंदर से आपकी ये पोएम ली गई है वो क्या क्या है। डॉक्टर फास्टस इज हिज मास्टरपीस। जो डॉक्टर फास्टस इसका पूरा नाम जो है वो है द ट्रेजेडी ऑफ द डॉक्टर फास्टस। आपका जो प्ले है डॉक्टर फास्टस इसका शॉर्ट नेम ही चलता है डॉक्टर फास्टस, इसका फुल नेम द ट्रेजेडी ऑफ द डॉक्टर फास्टस है इन इज हिज मास्टरपीस। वो क्या था इसका मास्टरपीस था, बहुत ही अच्छा पीस था इसका लिखा हुआ। ही मेक्स कॉन्ट्रैक्ट कौन ही मतलब कि जो डॉक्टर फास्टस था उसने क्या किया था कॉन्ट्रैक्ट किया था विद सैटर्न सैतान के साथ दैट ही विल राइट ऑफ हिज सोल टू हिम। मतलब कि जो फास्टस था उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने एक समझौता किया था सैटर्न मतलब कि शैतान के साथ। हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश जो आपकी इंग्लिश में मिथोलॉजी होती है, जैसे मिथोलॉजी का मतलब है ये भक्ति, जैसे अपने पुरानी मिथोलॉजी का मतलब है भक्ति वाला या अपने धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं मिथोलॉजी में आती है धार्मिक जो विचार है उसमें क्या होता है एक सैटर्न है एक गॉड है। तो वो क्या है सैटर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट ये करता है He will write off his soul. वो क्या है अपनी सोल उसको लिख कर दे देता है मतलब उसके नाम कर देता है टू हिम। हिम मतलब सैटर्न, हिम मतलब सैटर्न मतलब सैटर्न को अपने क्या है कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं अपनी क्या है जो सोल है जो आत्मा है वो तुम्हें दे दूंगा ऑन कंडीशन दैट इस शर्त पर दैट द सैटर्न विल अलाउ हिम टू लिव ऑन द अर्थ 420 years मोर। इस कंडीशन में ये शर्त देता है कि सैटर्न है वो उसको अलाउ करेगा 24 साल और जीने के लिए, इस धरती पर 24 साल और जीने देगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी आत्मा तो मैं तेरे नाम लिख दूंगा लेकिन मेरे को 24 साल और इस अर्थ पर रहने देना एंड ऑल हिज विशेज विल कैरीड आउट ड्यूरिंग दिस टाइम। और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 24 साल तक मैं और यहाँ पर इस धरती पर रहूँगा और मेरी जो सारी की जा रही जो विशेष हैं जो जो ख्वाहिश है वो पूरी की जाएंगी। पर हम फिर से रीड करेंगे इसको द पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर फास्टस रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये कहाँ से लिया गया है डॉक्टर फास्टस से लिया गया है क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखित है। मार्लो इन हिज शॉर्ट करियर सेट द स्टेज विद फायर स्टेज ऑन फायर विद द फ्लेम ऑफ हिज पैशन। मतलब इसने क्या था अपनी पैशन अपने जो वर्क था उसका जो वर्क की जो भी प्रभाव था उसके कारण क्या कर दिया था स्टेज पर आग लगा दी थी, स्टेज को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला था अपना
डॉक्टर फास्टस इज हिज मास्टर फीस, जो डॉक्टर फास्टस है वो इसका मास्टर फीस है. इन हिज सॉरी ही इज ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ, सैटर्न के साथ. ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद सैटर्न, वो सैटर्न के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट ही विल राइट हिज ऑफ हिज सोल टू हिम, क्या है वो अपनी जो सोल है उसको उनको लिख कर दे देगा या उनके नाम कर देगा टू हिम ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर दैट द सैटर्न विल अलाउ टू हिम लिव 24 years मोर ऑन द अर्थ, 24 सालों तक और इस धरती पर रहने दिया जाएगा. एंड ऑल हिज विशेज विल कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस सालों के दौरान 24 सालों के दौरान उसकी जो भी ख्वाहिशें होंगी वो पूरी की जाएंगी. ये तो क्या था, छोटी सी समरी थी डॉक्टर फास्टस की. अब आपकी जो पोएम है द फेस, वो क्या है, इसमें से ली गई है. जब डॉक्टर फास्टस अपने 24 साल पूरे कर रहा होता है धरती पर, जो उसको सैटर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि और सारे के सारे उसकी विशेस पूरी की जाएंगी, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो अधार्मिक हो जाता है. वो क्या है, भगवान की जो भी मतलब की रिवेलेशन है, मतलब हमारे जो हम वर्क करते हैं, जो भी हमारे काम करते हैं उसके जो नतीजे होते हैं उनको भूलकर वो क्या होता है, मतलब गंदे कामों में, मतलब बुरे कामों में वो लग जाता है. मतलब कि उसका जो विलासिता वाला जीवन, लग्जरी जीवन जीने लग जाता है कि उसका जो मन करता है वो करता है. वो तारे देख कर लाता है अपने पुराने जो भी उनको ग्रेवयार्ड से लोगों को निकाल के, मतलब शमशान से लोगों को निकाल से उनके मिलता है. तो क्या है, जब उसके चेले होते हैं, कुछ फास्टस के जो चेले होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, हेलन के बारे में उसको बताते हैं. हेलन कौन थी, हेलन थी द क्वीन ऑफ ग्रीस की क्वीन थी, और किसको, उसको माता ने, एक गॉडेस ने उनको ग्रीस वालों को वरदान में दिया था. जब वो हेलन की ब्यूटी की बहुत ही ज़्यादा उसको प्रेज करते हैं, तो जो फास्टस है वो सैटर्न का दूत होता है एक मेफिस्टोफेलिस को वो क्या ऑर्डर करता है कि मेरे सामने हेलन की आत्मा लाई जाए एज माई बिलव. वो क्या कहता है कि जो सैटर्न का एक दूत होता है वो उसको फास्टस के साथ ही रहता होता है, उसका नाम होता है मेफिस्टोफेलिस. जो मेफिस्टोफेलिस है उसको वो ऑर्डर देता है फास्टस कि जाओ और मेरे लिए हेलन की आत्मा को ले आओ. जो हेलन की आत्मा है उसको किस तरीके से लाना है, उसकी बिलव की तरह लाना है, मतलब कि उसकी प्रेमिका के रूप में उसको लाना है. तब जो फास्टस होता है वो हेलन की सुंदरता को, हेलन की जो ब्यूटी होती है उसके ऊपर वो फिदा हो जाता है, उसके ऊपर वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है. और उसके बाद वो क्या चाहता है, वो अपनी सच्चाई तो भूल जाता है, मतलब कि जो वो क्या है, जो हेलन है वो एक आत्मा होती है, एक सोल होती है, और वो क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, जिंदा होता है. लेकिन वो क्या चाहता है, वो उसको किस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मतलब कि जो हेलन की किसेस है, जो हेलन की जो किस है वो उसको क्या बना देगी, इमोर्टल बना देगी, वो उसको अनश्वर बना देगी, कभी नहीं खत्म होगा, उसको अमर बना देगी. तो इस तरीके से वो इस पोएम में जो फास्टस है वो हेलन की जो ब्यूटी है उसको डिफाइन करेगा कि हेलन की ब्यूटी के लिए जो ट्रोजन वॉर हुआ था, और ट्रोजन वॉर में जो ट्रोय शहर था उसकी जो बड़ी 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 जो इमारतें थी, जो बिल्डिंग्स थी, उनको क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था. तो वो कहता है कि वो जो जला दी गई इमारतें थी मैं उनको फिर से जला दूंगा, और जो भी तुम्हारी ब्यूटी और मेरे बीच में आएगा उनको ख़त्म कर दूंगा. और उसकी ब्यूटी के बारे में कहता है कि जो तुम्हारे लिप्स हैं उसी में क्या है, हैवन है, मतलब कि जो स्वर्ग है वो तुम्हारे लिप्स में ही है. जो तुम्हारे बॉडी का पार्ट नहीं है वो क्या है, सब बेकार है. इस तरीके से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से वो क्या है, उसकी जो ब्यूटी होती है हेलन की उसको डिस्क्राइब करता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अतिशोक्ति अलंकार, हाइपरबोलिक यूज़ करता है उसमें. और यही हमारी पोएम है. तो आज हमने क्या है, अबाउट द पोएम रीड किया, पोएम के बारे में रीड किया. और अगली जो हमारी वीडियो होगी हम उसमें इसके जो टेक्स्ट होगा आपकी पोएम का उसको डिस्क्राइब करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड. थैंक यू.